छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की शीघ्र वापसी के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों की वापसी की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ से होकर अन्य राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को भी पहुंचाया जाएगा। श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगी। बॉर्डर पर कराना होगा पंजीयन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सरासंता सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठाने वाली है? प्रदेश जी बिल्कुल सही कहते हैं, प्रदेश सरकार जो है वो उन्हें राज्य की सीमा तक छोड़ के आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यहाँ राज्य के श्रमिक जो छत्तीसगढ़ से रास्ते से होकर अपने राज्य में जाएंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। वे राज्य की सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट पर अपने उनके रुकने व भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया इनके लिए और कहा है कि अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए टोटल अधिकारी बनाए गए हैं। श्रमिक वहां अपना नाम और पता दर्ज कराएंगे, उसके बाद केंद्र से अनुमति मिलते ही पहल शुरू की जाएगी। और श्रमिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 21 राज्यों और चार केंद्र शासित राज्यों में 1,00,000 से अधिक मजदूर हैं वो फंसे हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर